पता नहीं किसकी मम्मा है, आर्यन की, आर्यन की नहीं जो है मैं। हेलो एवरीवन, मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू। तो ब्लॉग देखे तो मतलब शुरू का टाइटल एक के तो आप समझ गए होंगे, आज हम डेंटल कॉलेज में जा रहे हैं। एक्चुअली सुबी के दांत चेक करवाने हैं और इसको बोला है ना कि इसका जो ये चिन्ह है ये थोड़ी सी आगे है और बाकी ऊपर से थोड़ा सा डाउन है पीछे को, तो उसके लिए शायद इनका डेंटल चेकअप हुआ था इनके स्कूल में ही। तो फिर बोलती हूँ दीदी ने बोला था कि अभी करवा लो बाद में सर्जरी होगी। तो बस हम यहाँ पर पहुँच गए थे, मेरे भाई वगैरह यहाँ पर होते हैं कज़न ब्रदर, तो फिर मैंने उनको कॉल किया और उसके बाद ना यहाँ पे जेंडर लिखा है पता करना पड़ता है डॉक्टर है या नहीं। तो यहाँ पे कार्ड बन गया है और सुबह के कार्ड में कार्ड में फीमेल लिखा था, उसके कार्ड में मेल लिख दिया था जैसे मैंने उसका नाम बोला। तो साथ में मेरे को भी अपना चेकअप करवाना था क्योंकि मेरे जो सबसे पीछे वाला दांत है ना उसमें होल हो गया है। तो बस यहाँ पे सुबह के दांत तो चेक कर रहे हैं, दांत तो उसके ठीक है, दांत में उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक दांत है जो थोड़ा सा उसका डाउन है, उसको भी उन्होंने तार, शायद तार वगैरह लगेगी, वो लगेगा पता अभी क्या करेंगे वो आगे। तो बस यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब पूरा एक्सरे भी करवाया मुझे, अपने दांत का भी एक्सरे करवाना पड़ा, जैसे शिवा का सुबह का भी चेकअप हुआ, फिर उसके बाद मेरा भी चेक हुआ। तो उसके बाद हमें काफ़ी यहाँ पे वेट करना पड़ा, थोड़ी देर बैठना पड़ा जैसे ही। फिर उसके बाद ना पहले ऑर्थो वालों को दिखाया, उसके बाद सर्जन को भी दिखाया, तो सर्जन ने भी यही बोला कि इसकी ये चीज़ डेफिनेटली आ गई है और अभी ग्रोइंग पीरियड है तो अभी और भी आगे आएगा ये। तो बस यहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि इसके लिए मास्क वगैरह कुछ देंगे जो भी पता चलेगा आगे। गाइस अभी हम आ गए हैं चेकअप करवा के और सुबह तेरी तो पता नहीं इसका क्या होगा, बस मंडे को देखेंगे कोई और डॉक्टर, बड़े डॉक्टर भी आएंगे। बाकी मेरा तो दांत निकलवाना ही पड़ेगा, स्कूटर आ गया कैसे। डेंटल कॉलेज में अपने हो ना तो नंबर बढ़ जाता है, वरना वो जो डॉक्टर सर्जन है उनके पास अपॉइंटमेंट लेनी पड़नी थी पहले। वो बोलते हैं कि कितने महीने में, दो तीन बार बोल रहे थे, दो तीन बार ही आते हैं ये, तीन चार बार। तो इसके बाद मैं पहुंच गई थी दूसरे हॉस्पिटल में क्योंकि मेरे को अपना जो गला है ना उसमें लगातार पेन हो रही थी, तो उसके लिए मेरे को चेकअप करवाना था जिससे उसके बाद फ्री हुए। अभी हम पहुंच गए थे घर में क्योंकि अभी ना रात हो गई है और हम पहुंच गए थे, कब से पहुंचे हैं मतलब, और मैंने पता क्या क्या किया। उसके बाद हम गए थे, जैसे थोड़ा सा आपके साथ मैंने क्लिप शेयर किया था, तो हम गए थे ऊपर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में मैंने अपने गला चेक करवाया क्योंकि मेरे गले में ना काफ़ी टाइम से, जब से वो कथा वाला फंक्शन था मतलब डेढ़ महीना हो गया, उस टाइम मेरा गला ख़राब था, उसके बाद मेरा गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया। तो दो तीन बार मैं खा चुकी एंटीबायोटिक वगैरह और खांसी भी और बहुत हो रही थी तो उसकी दवाइयाँ भी। उसके बाद क्या हो रहा है कि मेरे को इस साइड ना पेन हो रही है लगातार नेक में, तो यहाँ पे अंदर गले में पेन है लगातार ही है, ये जैसे कुछ निगलूंगी कुछ खाऊंगी उसके बाद दर्द हो रहा है। ये इस साइड को ऐसे रह के बात कर रही हूँ तो यह अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ जैसे चुभा हुआ है वो वाली चीज़। तो फिर इसलिए मैंने डॉक्टर को दिखाया, वहाँ पे जो ENT वाले होते हैं उनको दिखाया, तो उन्होंने पहले तो वो क्या डालते हैं बेहोशी के लिए, बेहोशी नहीं सॉरी, हाँ मतलब अंदर अगर सुन करने के लिए अंदर वाली जगह वो एक स्प्रे जैसे करते हैं वो की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कैमरा डाल के देखा अंदर, तो कैमरा डाल के देखा तो उन्होंने बताया कि आपके छोटे छोटे दाने हो गए हैं अंदर, जैसे एलर्जी टाइप के नहीं होते वो वाले छाली इधर आ गए ऊपर वो उन्होंने देखा उस कैमरे में वो दिखे। टेस्ट वगैरह उन्होंने लिखे और टेस्ट भी किए, इसमें से एक का शायद उन्होंने सैंपल भेजा है और बाकी की रिपोर्टें आ गई थी। जो बाकी की रिपोर्टें हैं उसमें TLC बढ़ा हुआ है जिसके लिए उसके लिए लगा रहे हैं शायद, ये क्या इंजेक्शन वगैरह उन्होंने लगवाए, हफ्ते का एक इंजेक्शन है और चार इंजेक्शन मेरे को लगवाने हैं। और उसके साथ वो जो एक्सरे किया तो एक्सरे में पता चला कि इस साइड स्वेलिंग भी है, एक साइड स्वेलिंग भी है, दर्द पेन हो रहा है फिर अब पता नहीं, अब इतनी सारी दवाइयाँ दे दी हैं, अब सारी दवाइयाँ मैंने खाली 5 दवाइयाँ खाने को हैं
और उसके बाद एक दवाई ये लगाने को है, ये मुझे आगे तक लगानी है अपने, मैं बोला मुँह में लगानी है आगे छालों में। इसको पता निगलते हैं कि नहीं निगलते हैं ये मैंने पूछा नहीं, ये 2 टाइम बताई है, तो ये वाली भी मेरे को करनी है। मेरे को ना सुस्ती जैसे बड़ी हुई है, तो मैंने ये जो दवाई खाई उसके बाद मेरे को बहुत नींद लग रही है। तो अभी सुबह और शिवा चले गए हैं दूसरे अपने ताई ताई के पास, परे वाले कमरे में चले गए हैं। और बाकी सुबह का तो उन्होंने बोला कि ये वाली चीज़ इसके आगे तो है, चीनी इसके आगे है, इसके लिए अभी सर्जरी तो नहीं होगी क्योंकि सर्जरी करवाएं ग्रोइंग एज है, तो अभी 18 साल के बाद अगर वो सर्जरी वगैरह होगी तो वो 18 साल के बाद होगी। वो बोला कि यहाँ पे कुछ मास्क आता है जिससे हम इसकी ग्रोथ रोक देंगे और फिर यहीं पे स्टेबल हो जाएगा, ये ग्रोथ नहीं होगी इसकी। बाकी यहाँ पे ब्रिसल लगाएंगे, यहाँ से बाहर को निकालेंगे, मतलब ब्रिसल लगाने का यही मेन मकसद है कि यहाँ से बाहर को निकलेगा और यहाँ से अंदर को जाएगा, तो तब ये पूरा इक्वल होगा, क्योंकि इसकी ये वाली जो चीज़ है ना ये थोड़ी बाहर की तरफ को है और ये वाली चीज़ अंदर है, तो इसीलिए अब देखते हैं। अभी मंडे या ट्यूसडे तक फिर से जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो प्रोफेसर है वो आएंगे, फिर उनके पास चेकअप करवाएंगे फिर से, और जो इनके पास हम गए थे आज वो सर्जन थे। बाकी मेरे को अपने दांत का भी करवाना था, तो मेरे दांत के लिए तो उन्होंने बोला कि या तो, क्योंकि ये सबसे पीछे वाला है दांत है, तो बोलते हैं ये तो उखाड़ना ही सही रहेगा। और तो अभी मेरे को इतनी दिक्कत तो है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ अभी तो नहीं उखाड़ूंगी। और बाकी RCT वगैरह करवानी हो तो वो पीछे तक पहुँच नहीं पाते इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि पीछे स्पेस बहुत कम होता है, ये अक्लदाड़ होती है जो सबसे लास्ट में बैठती है। नहीं करवाऊंगी ये, निकलवाऊंगी भी नहीं क्योंकि अभी मेरे को पेन वगैरह है नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि अगर इस वजह से ना जैसे दांत है पीछे ही हो रहा है, तो इस वजह से फिर हो सकता है अगर ज़्यादा होल बढ़ गया तो फिर यह आगे भी आ सकता है। हाँ जी, तो बोलते इस वजह से फिर आगे वाले दांत भी खराब हो सकते हैं। क्यों नहीं आ रहा है? हेलो गाइस, यहाँ पर हो गया नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे अभी देख सकते हो मैं घास के बीच में बैठी हुई हूँ। तो घास के बीच में बैठ के आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं कहाँ हूँ अभी, मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने पुराने घर, ये देखो थैला थूला लेके जा रही हूँ। आज बच्चे चले गए हैं आगे और मैं अभी पीछे से जा रही हूँ। शाम का टाइम है, अभी शाम के 6:30 हो गए हैं। तो अभी ना मतलब मैं ज़बरदस्ती बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ब्लॉग भी एंड करना था, तो मैं चाह रही थी कि आपके लिए नया ब्लॉग भी लाऊं, क्योंकि आपको जो पुराने घर के ब्लॉग बहुत पसंद हैं। तो अभी मैं कुछ दिन पुराने घर में गुजारूंगी। अभी ना मैंने जो कल की दवाइयाँ खाई हुई है, अभी मैं रोज़ दवाइयाँ खा रही हूँ, इंजेक्शन जो लगाया है उसके बाद मेरे को इतनी वीकनेस फील हो रही है कि मतलब मेरे से ना पुराना जो अपना घर है उसकी सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी जा रही थी। जैसे आपको पता ही है हमारा किचन जो है 3rd फ्लोर पर है, तो मेरे से ना वो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी जा रही थी ऊपर नीचे, और काम करना मेरे को इतना मुश्किल हो रहा था। तो आज मैं ना अभी मैंने सोचा चलो पुराने घर जा जाती हूँ, क्योंकि अभी ना हमारे यहाँ पे धूल ही धूल है। आपको दिखेगा, हरियाली तो आपको दिख रही है, लेकिन पूरा 1 वीक हो गया यहाँ पे कोई बारिश नहीं हुई है। बरसात का मौसम है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बरसात का मौसम है आजकल, क्योंकि बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो रोड पे धूल ही धूल है और मैं नहीं चाहती इस धूल से मैं थोड़ा सा दूर रहूँ, क्योंकि अभी डॉक्टर ने बोला है कि धूल से आपको बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा। फिर ये क्या होता है ना, फिर ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं और फिर ज़्यादा बीमारी, क्योंकि एलर्जी टाइप हो गई है, बड़ी फिंसियाँ हो गई है कुछ ज़्यादा गले में, और बाकी स्वेलिंग भी है। तो थोड़ा सा मैं दूर रहना चाहती हूँ अभी, तो बड़ी मुश्किल से चल रही हूँ। और बाकी बच्चों का भी था कि हमने पुराने घर जाना है, तो बच्चे चले गए हैं अभी आगे। अभी देखती हूँ ये दवाइयाँ खा लेती हूँ, फिर ट्यूसडे तक मेरे को फिर से जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, सुबह को लेके भी और खुद का भी, क्योंकि वो एक जो रिपोर्ट है मेरी ट्यूसडे तक आ जाएगी, अभी आज सैटरडे है। सो चलिए अभी चलते हैं और मैं न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा सा चुस्त होकर आपके साथ ब्लॉग बनाऊँ, आपको दिखाऊँ, क्योंकि ज़्यादा बीमारी की हालत में मेरे को ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता और आपको भी देखना अच्छा नहीं लगेगा। सो चलिए अभी गाइस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। आई होप आपने ब्लॉग इन्जॉय किया होगा, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।